देवास संसदीय क्षेत्र के भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी महेंद्र सिंह सोलंकी ने गुरुवार को शुभ मुहूर्त में कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर पर दर्शन करने के बाद अपना नामांकन जमा किया। इस दौरान उनके साथ में स्थानीय भाजपा नेता मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि भाजपा प्रत्याशी का नामांकन जमा करवाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शाजापुर पहुंचने वाले थे, लेकिन उन्हें आने में देर हो जाने के कारण भाजपा प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया। वहीं जिसके बाद बस स्टैंड पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभा को संबोधित करते हुए महेंद्र सिंह सोलंकी के लिए वोट मांगे और इशारों में कांग्रेस के ऊपर जमकर निशाना साधा। HMTV लाइव के लिए किशोरनाथ राजगुरु की रिपोर्ट।